नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। पहली खबर हरदोई से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधक पर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लेने के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। वहीं मामले को संज्ञान लेकर के पुलिस उच्चाधिकारियों ने शहर कोतवाली को जाँच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जाँच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति हैं सुशील कुमार, जो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं, ग्राम मनुआ के। इन्होंने आज एक प्रार्थना पत्र दिया है कि रॉयल इंस्टीट्यूट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके प्रबंधक रवि चौधरी हैं। इन्होंने इसके भाई सुमित कुमार से 1,00,000 रुपया अग्निवीर में नौकरी दिलाने के नाम पर लिए हैं। पुलिस को आज प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, SHO कोतवाली शहर को जाँच के लिए दिया गया है। जो भी साक्ष्य चाहेंगे इसके आधार पर विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के साथ ठगी की गई है? जो प्रार्थना पत्र है इसमें 50 बच्चों के साथ नौकरी के नाम पर लाखों रुपए जमा करने की बात आई है। सभी तथ्यों की हम लोग जांच करेंगे। सर, हम रॉयल इंस्टीट्यूट कोचिंग में पढ़ते थे। वहाँ जो मतलब UPP, दिल्ली पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और लेखपाल, अग्निवीर के वहाँ तैयारी करवाते थे, तो करीब 200-250 बच्चे वहाँ पढ़ते थे। तो हम लोगों को है जो ये कह रहे थे आप लोगों की है जो अग्निवीर में नौकरी लगवा देंगे, लेखपाल का पेपर आउट करवा देंगे, आपको पैसा इतना देना पड़ेगा। तो उन्होंने हम लोगों से करीब 250 बच्चों से करीब 50-60 बच्चों से रुपए 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए तो लेके फरार हो गए हैं। उसमें से जो प्रबंधक थे रवि चौधरी, रोहित चौधरी, ये लोग अपना एड्रेस मथुरा का बता रहे थे कि मथुरा में हमारी कोचिंग और भी चलती है ब्रिज नाम से। तो हम लोगों से इतना पैसा लेके करीब 50-60 लोग 25 से 50 लाख रुपए लेके कोचिंग से फरार हो गए हैं। देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं। लोग कान्हा की बाल स्वरूप मूर्ति घर ला रहे हैं। भगवान कृष्ण के स्वागत में घरों को सजाया जा रहा है। वहीं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में भी कान्हा के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और उनकी जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। जन्मोत्सव में CM योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। मथुरा में जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां तहसील खुर्जा के थाना क्षेत्र अरनिया के पास स्थित गांव सरसौल में एक मुस्लिम युवक जिशान खान ने एक वीडियो वायरल किया है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगा यात्रा की वीडियो पर पाकिस्तान जिंदाबाद के ऑडियो लगाई है और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्राम मुनी के प्रधान ने मामले को संज्ञान लेकर के कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम युवक दिशान खान को गिरफ्तार कर लिया है। अरनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सारसौल में एक वीडियो आपत्तिजनक वीडियो प्रकाश में आया है, जिसमें एक नारेबाजी में एडिट करके उसमें आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकरण में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर इटावा से है, जहाँ UP पुलिस का फर्जी दारोगा गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि ज्वेलरी शोरूम में दारोगा की वर्दी पहनकर वसूली करने पहुंचा था। सर्राफा व्यापारी ने शक होने पर पुलिस से शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार फर्जी दारोगा के पास से पुलिस की वर्दी, मोबाइल फोन, तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। यह घटना थाना कोतवाली क्षेत्र की बजाजा लाइन स्थित ओम साई ज्वेलर्स का बताया जा रहा है। खबर अमेठी से है, जहां कई महीनों से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। दलित बस्ती में आर्थिक रूप से कमजोर दलितों का धर्म परिवर्तन कराने में मिशनरियां जुटी हुई हैं। वहीं गंभीर बीमारी ठीक करने के नाम पर भी दलितों को ईसाई धर्म में शामिल करवा दिया जा रहा है, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने धर्म परिवर्तन कराने आए लोगों को पकड़कर जमकर पीटा और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिए। जांच के दौरान पुलिस को ईसाई धर्म की पवित्र बाइबिल और कई अहम सुराग भी मिले हैं। ये पूरा मामला जामो थाना क्षेत्र के कटारी गाँव का बताया जा रहा है। खबर हरदोई से है, आज़ाद हिंद फौज के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर देश को गुलामी से के जंजीरों से आज़ाद कराया था। वहीं एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो हरदोई के कलेक्ट्रेट के सदर मालखाने में कैद हो गई है, नेताजी की प्रतिमा को आज़ाद कराए जाने को लेकर पिछले एक हफ्ते से लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि प्रतिमा को उसके सही स्थान पर लगाया जाए।
ये बहुत ही शर्म की बात है जिला प्रशासन के लिए। पूरे जिले की जनता इस बात को लेकर दुखी है कि नेताजी, जिनकी आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान है और उनकी प्रतिमा मालखाने में कैद है, आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरा देश हर्षोल्लास मना रहा, लेकिन नेताजी की जो दुर्दशा प्रतिमा की है, इसके लिए जिला प्रशासन को सचेत जाना चाहिए। हम लोग 3 दिनों से आंदोलन पर हैं। 18 जुलाई से हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था और तीसरा दिन आज हमारे आंदोलन संघ का है। जब तक प्रतिमा स्थापित नहीं होगी, हम लोगों का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नगर पालिका कार्यालय अधीक्षक के कक्ष में घुसकर एक युवक ने उनसे अभद्रता की, साथ ही टेबल पर रखी फाइल में जरूरी कागजों को फाड़ दिया। इस घटना के बाद नगर पालिका कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सूचना पर पहुंचे पालिका अध्यक्ष और प्रतिनिधि ने थाने में शिकायत दी है। कर्मचारियों ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नहीं, मैं ऑफिस में आया था, ऑफिस में अपने जो कागज अपने को कर रहा था, तो यदवी नाम का एक वो लड़का यहाँ आया है और मुझसे बाहर 2 लड़के खड़े थे उसके साथ में। जब मैंने यहाँ से गया था, मुझसे यहाँ बदतमीजी करे, मेरी फाइल फाड़ दी। रंजनीश को कल जो एक शिकायत थी इसकी, उसमें मैंने इन्हें गवाह बनाया था, तो आके इनको वो गाली गलौज करने लगा, मुझे भी गाली गलौज करने लगा और धमकी दे गया है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो कितना बड़ा गुंडा है। और यहाँ से उसकी वीडियो भी बनाई है इनने बाद में। सरकारी फाइल वगैरह फाड़ी गई है कुछ? सरकारी में ये फाइल ही मैं जो अपना वो शिकायत वगैरह के थे उन्हें देख रहा था, आके उसने फाइल फाड़ दी है। पुलिस में सूचना दे दी? दे दी मैंने इनसे, ऐसे लोगों को मैंने फ़ोन कर दिया था, मैंने ऐसे ऐसे बात था, ये यहाँ बदतमीजी नहीं कर पाया। खबर हमीरपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में सिटी फॉरेस्ट में एक लड़की के साथ आधा दर्जन युवकों ने बदसलूकी की है। बता दें कि लड़की किसी युवक के साथ घूमने गई थी, जहां युवकों ने लड़के और लड़की की डंडे और बेल्ट के साथ पिटाई कर दी है, साथ ही लड़की के कपड़े उतरवा दिए। उसके बाद आरोपी युवकों ने इसका वीडियो भी बनाया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद हमीरपुर पुलिस हरकत में आई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस उन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। जनता के माध्यम से एक वीडियो और सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनांक 16/8/2022 को एक लड़का और एक लड़की सिटी फॉरेस्ट एरिया में आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसकी सूचना ग्रामीणों को मिली, तो 3-4 गांव के लोग और 2-3 लड़के वहां पे पहुंच गए। उन्होंने उन लड़के और लड़की के साथ मारपीट की, उनसे पैसे की मांग की और उनके साथ बदतमीजी की। पर वीडियो के द्वारा संबंधित लोगों की पहचान कर 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अगली खबर चमोली से है, जहां जोशी मठ में हो रहे भू धसाव के सर्वेक्षण के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने भू धसाव वाले क्षेत्र का भू वैज्ञानिक और भू तकनीकी सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जोशीमठ नगर दरकता जा रहा है, जिससे नगर में जगह जगह पर मोटी मोटी दरारें पड़ रही हैं। साथ ही हाल ही में जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के निवेदन पर स्वतंत्र वैज्ञानिक द्वारा किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भी नगर भूगर्भीय स्थिति को संवेदनशील बताया गया है। अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए टुक टुक यूनियन और मैजिक यूनियन के पदाधिकारियों और चालकों के संघ थानाध्यक्ष ने बैठक की। इस दौरान यातायात संबंधित कई मुद्दों को लेकर के विशेष चर्चा की गई। थानाध्यक्ष ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए टुक टुक और मैजिक यूनियन के लोगों को लेकर एक बैठक की गई और उन्हें कहा गया कि टुक टुक और मैजिक निर्धारित स्थानों पर ही खड़ा करें। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां इस बार सावन की संक्रांति को दूध गड्डू बटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। बता दें कि ये पौराणिक मेला है जो पहले दूध गड्डू के नाम से जाना जाता था। इस बार इस क्षेत्र के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने इस मेले को दूध गड्डू बटर फेस्टिवल का नाम दिया है। इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण अपने घरों से दूध, दही, मक्खन और फूल अनाज लेकर आते हैं और अपने आराध्य देव नागराज और हूण देवता को प्रसन्न करने के लिए कामना करते हैं, जिससे क्षेत्र में खुशहाली रहे और ग्रामीणों की फसल और पशुओं की समृद्धि हो।
ऋषिकेश में डेंगू की रोकथाम को लेकर के महापौर अनीता ममगाई ने फॉगिंग टीमों को रवाना किया है। वहीं निगम की कई टीमें शहर के तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अलावा वार्डों में डेंगू उन्मूलन अभियान के तहत फॉगिंग और दवाओं का छिड़काव करेगी। साथ ही मेयर ने लोगों से अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। समय जैसे कि बरसात का सीजन है और लगातार उसमें ऐसे बरसाती सीजन में डेंगू के मच्छर के ज़्यादा उत्पन्न होने की डर रहती है कि जगह जगहों पर ठहरे हुए पानी में डेंगू के मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। तो कहीं पे भी शहर में पूरे 40 वार्डों में आसपास के पूरे क्षेत्र में जितने भी नगर निगम क्षेत्र से लगे हुए जितने भी क्षेत्र हैं कहीं पे भी डेंगू के मच्छर ना पनपे। और जहाँ पे पानी का ठहराव हो रखा है, जहाँ पे पानी जमा होता है नालियों में, वहाँ पे लार्वा इकट्ठा ना हो, तो उसके लिए लगातार क्षेत्र में फॉगिंग ब्लीचिंग मेलथिंग लगातार चल रही है। आज हमने इसको वृहद स्तर पर ताकि लगातार एक साथ पूरे 40 के 40 वार्डों में एक ही साथ में सभी जगहों पे होगी तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इधर से उधर मच्छर उठ के नहीं जाएंगे। आज उसको यहाँ से रवाना करा और अपने उच्च अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इसको आप 2-3 महीने लगातार जारी रखें ताकि शहर में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का डेंगू का मच्छर उत्पन्न ना हो, जिससे कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव लगातार होता रहेगा। तो हम अपने शहरवासियों को, अपने यहाँ की जनता को, आने वाले जितने भी यहाँ पे आने जाने वाले जितने भी लोग हैं, श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, सभी को हम डेंगू जैसे महामारी से बचा सकें। खबर काशीपुर से है। काशीपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कई महकमों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें हल्द्वानी के कई महकमों के अधिकारी शामिल रहे। साथ ही मंत्री ने सूर्या रोशनी के सभागार में प्रेस वार्ता भी की है। यहाँ की जनता ने मुझे सांसद चुना और जनता की वजह से आज मैं भारत की संसद में हूँ और साथ में डिफेंस और टूरिज्म जैसा विभाग मोदी जी की टीम में रखा है, इसलिए पूरा श्रेय यहाँ की जनता को जाता है। तो इसलिए मैं बीच बीच में कहीं ना कहीं जाते रहता हूँ। क्षेत्रीय भ्रमण है, एक पानी की योजना है, उसका शुभारम्भ लोकार्पण करना है उसको आज, और उसके बाद यहाँ पर जो फ्लाई ओवर वगैरह में जो देरी हो रही थी वैसे तो उसको मैं लगातार 1.5-2 साल से दबाव बनाते रहा हूँ, चाहे आऊँ या ना आऊँ उसका भी निरीक्षण आज कर लेंगे, कितना अभी काम बाकी रह गया है। और भी जितने काम हैं कई चीज़ों के बारे में, जैसे अभी हेमपुर डिपो में जाएंगे, वहाँ की सड़क नहीं देखी है, और आपकी जो उस साइड से चलती है गड़ी नेगी में वो सड़क बनाई थी उसका निरीक्षण, उसमें डामरीकरण किया था, कैसा हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।